स्टार्ट करते हैं चैलेंज। यार ना इशका लग रहा है थोड़ा ओफ भाई छोटी सी साइड। हेलो गाइस, वेलकम करता हूं आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस मैं नहा लिया था अभी, और गाइस आज मुझे लॉन्ग व्लॉग करते हुए पूरे 26 दिन हो गए, वो भी डेली डाल रहा हूं मैं बिना रुके, और साथ में मिनी व्लॉग करते हुए पूरे 180 दिन हो गए हैं। तो लग नहीं रहा मैं डेली, वो भी मतलब एक दिन का भी गैप नहीं हुआ है, डेली करे हैं 180 व्लॉग, मिनी व्लॉग और 26 डेली व्लॉग। चलो मिनी व्लॉग तो मैं करता ही था लेकिन लॉन्ग व्लॉग नहीं करता था, पर काफ़ी कमेंट्स भी आते थे मुझे, काफ़ी लोग कहते थे भी कि लॉन्ग व्लॉग भी करना स्टार्ट कर दो, डेली कर दो, क्योंकि लोग जब ही जुड़ पाते हैं आपकी लाइफ से, अगर आप 7 दिन में एक व्लॉग डाल रहे हो तो लोगों को एकदम वो कनेक्टेड फील नहीं होता। अगर डेली वो आपकी लाइफ से जुड़ेंगे तभी उन्हें पता चले कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ, तो देखना पसंद भी करते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू किया। कब शुरू किया मैंने पता है गाइस? जब मैं मुंबई से आया था, मुंबई गया था उससे पहले मैंने सोच लिया था कि मुंबई से आते ही मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर दूंगा, और फिर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब मैं मुंबई से आया उसी दिन से मैंने डेली लॉन्ग व्लॉग डालने स्टार्ट कर दिए, और आज पूरे 27वां दिन आज पूरे मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आप लोगों की बदौलत ही है जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो जब भी मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं करता हूँ ये डेली व्लॉग, तो थैंक यू सो मच। और अभी नन्नू घर में है नहीं, पापा मम्मी चाचा सभी गांव में, जैसा आपको कल पता ही होगा, कल के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, तो घर में मन सा नहीं लग रहा बिल्कुल, लेकिन आ जाएंगे आज ही, वो एक दिन के लिए गए थे तो वेट करते हैं उनका। दीदी यहाँ काम कर रही हैं, खाना भी दीदी ने बना लिया है, बाकी सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा, और आज मैंने सुबह ही नहाने से पहले ही कूलर में फुल पानी भर दिया है ताकि पापा आएंगे बाहर से, गाँव से आएंगे तो ट्रैवल करके आएंगे बस में, तो उन्हें गर्मी बहुत लगी तो आते ही चिल्लाते मुझे, इसलिए मैंने सुबह उठते ही फुल पानी भर दिया, कूलर को अच्छे से साफ करा और उसमें अच्छे से पूरा साफ पानी भर दिया ठंडा ठंडा। तारक मेहता वहाँ चल रहा है और यहाँ बैठ के देखा जा रहा है, और दीदी अभी आई है, मैं भी देख रहा था काफ़ी देर से, और हमने उठा कर यहाँ नहीं रखा, वहीं रखा है तो वहीं से देख रहे हैं। उठा लो फोन। खाना खा रहे थे अभी दोनों, तो देख रहे थे गाइस। तो कब से वही रखा था, वही से देख रहे पागलों की। अरे खो जाते हैं तारक मेहता में। और जो गाइस मैंने आपको जगह दिखाई थी अपने ब्लॉग में, अभी तक वहाँ पर किसी से बात नहीं हो पाई ताकि हम वहाँ लगा ले, परमिशन के बिना तो लगा नहीं सकते, और एक बार वहाँ बात हो जाए, परमिशन मिल जाए तो हम आगे का अपना काम करें, लेकिन अभी तक बात हो नहीं पाई। फिर मम्मी पापा को कल वहाँ गाँव जाना पड़ा, तो देखते हैं अभी मम्मी पापा आते हैं तो देखने, हम कोशिश में तो लग रहे हैं, काफ़ी जनों से बात कर रहे हैं, एक बार वहाँ बात हो जाए फिर आगे हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, जो भी चीज़ें करनी है, जो चीज़ें लानी है वो सब लाएंगे। गाइज अभी मैं भी खाना खाने बैठ गया हूँ, भूख लग रही थी, और आज दाल चावल बने हैं मस्त, और दाल चावल हो और पंजाबी तड़का मुझे मिल जाए तो खाने में मज़ा ही आ जाता है दाल चावल के साथ। आप भी कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है ये दाल चावल के साथ, तो खा लेता हूँ खाना। गाइज अभी मैंने खाना खा लिया है और ये थोड़ा पंजाबी तड़का बच गया है, और साथ में अनायशा अपने जो चिप्स लाई थी वो भी बचे हुए हैं, तो अभी मैं एक चैलेंज ले जाता हूँ अनायशा और दीदी के पास, अभी मैं आपको बताता हूँ वो चैलेंज है क्या। तो गाइज बहुत कम बचे हैं लेकिन चैलेंज हो जाएगा, तो चैलेंज कुछ यूँ है, ये दोनों प्लेट मैं दीदी और अनायशा के पास ले जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि इन्हें बिना हाथ लगाए खा के दिखाओ। चलो लेके चलते हैं, लेके चल दिया हूँ। पहले स्कूटर को कम कर दो यार, इसकी आवाज़ बहुत आती है। दीदी एक प्लेट पकड़, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम्हें ये रखा हुआ बिना हाथ लगाए खाना है। ऐसे? नहीं, हाथ का यूज ही नहीं होगा, हाथ पीछे रहेंगे दोनों। ऐसे? हाँ, और जिनने पहले खाया उससे कुछ तो मिलता है नहीं। नहीं उसे मैं, हाँ मेरी पेमेंट आएगी ना तो उसे मैं 50 रुपए दूंगा, पक्का वादा, व्लॉग में बोल रहा हूँ। 50 कम है क्या? क्या क्या नहीं आता 50 में बताओ, करोगे? हाँ या ना बता, बताओ जल्दी, ऐसो मत भाई, बहुत तगड़ा चैलेंज है ये। नहीं तुम दोनों ही करो, तुम्हारे लिए चैलेंज है, पैसे मैं दूंगा ना जो जीतेगा। पैसे इतने कम है ये 50 रुपए बहुत है, तो कितने चाहिए? उसके बंदे कुछ खिला दियो। तो 50 का जो मैं जो खाना है वो खा लेना। हाँ। बता ना ईशा,
एक्सेप्ट? हाँ एक्सेप्ट, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक अच्छा वो देता हूँ तरीका इसे खाने का, नीचे उतरो दोनों। नहीं ऐसी सही है, अच्छा बेड पे ऐसे खा लोगे? गिरेगा भी तो। गाइस बिछा दिए नीचे चद्दर ताकि कुछ भी गिरे तो चद्दर पे गिरे। तो स्टार्ट करते पहले थोड़ा वो करो। हाँ लो भाई, तो स्टार्ट पहले देख लो मुंह आ रहा है? देख लो भाई, जो पहले खाएगा उससे मिलेगा। और भाई इज्जत का सवाल है, जीतना है। बेइज्जती हो जाएगी जो भी हारेगा। चल जो भी जीतेगा ना गाइज उसके वो आपको लिखना है उसका नाम। जैसे अनायशा जीती तो अनायशा ओपी लिखना है कमेंट में, अगर दीदी जीती तो दीदी ओपी। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं चैलेंज। 3 2 1 स्टार्ट। ओ गाओ, इतना टाइम नहीं है। ओ भाई ये तो कर रहे हैं गाइज, कर रहे हैं। और यहाँ अनायशा का लग रहा है थोड़ा वो पल रहा भारी है। और ये दीदी भी तेजी से करती हुई। करो 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 भाई, सांस मत लो। 50 रुपये जमा लो और भाई कमेंट में उप्पी उप्पी आएगा तुम्हारे नाम पे जल्दी। ओ भाई अनायशा तेज करती हुई। हाथ आगे ध्यान रखिए किसी का भी। चल 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 अनायशा चल। बिल्कुल एक भी दाना नहीं होना चाहिए। अनायशा जीतने पर है, अनायशा जीतने पर है। ओ नहीं दीदी का भी। ओरे हो ही गया। ओ अभी थोड़े दाने हैं, दाने से चाटो पूरा। तो गाइस अनायशा जीत गई है। दीदी ने भी कॉफी कर लिया भाई साहब, कॉफी। बढ़िया दीदी, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो गाइस विनर है। कैसे कैसी चीटिंग? हाँ सेम था यार वीडियो में, देख ले वीडियो में कैसे देख, तूने शूट भी किया। देखता हूँ मैं गाइस, अभी बताता हूँ। डाला तो है इन्हें थोड़ा सा, बस एक छोटी सी क्लिप में दिख गया मुझे, पर थोड़ा सा डाला है। लेकिन ये जो दीदी ने आवाज पहले उठानी चाहिए थी इस बारे में मुझे पहले बताती। अब ये गेम खत्म होने के बाद बताया। अब होता है पर चीटिंग किया तो पहले ही बता दिया। तो गाइस चीटर बन के विनर है अनायशा। अनायशा को मिलेंगे 50 रुपए। और कमेंट में लिखना है अनायशा ओपी। पहले बताती दीदी। तो मजा आया है? मजा आया ऐसे? तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंज दोनों को मिलते रिया करेंगे कभी ना कभी। लाओ प्लेट। गोलगप्पे में तो मैं मजा आ गया इस चैलेंज में। मैंने नहीं सोचा था इतना मजा आएगा, बस बच गया था। तो मैंने बहुत दिन पहले एक शॉर्ट में देखा था ये चैलेंज कोई कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आ गया तो कर लिया। काफी मजा आ गया चैलेंज में। दीदी नाक में गया। नाक में चला गया। नाक में ऐसे कर नाक से खा रही थी दीदी। गाइस दीदी के नाक में चला गया। बिना हाथ ऐसे तो को नाक में नहीं जाएगा। तेरे नाक में गया। मेरे 50 रुपए मिल जाने चाहिए। हाँ देखूंगा। और कमेंट में अनायशा ओपी। देखूंगा दूंगा या नहीं दूंगा। देना है। अरे हाँ पक्का दूंगा। और इसको मजा आया यार कमेंट में, कमेंट बोल रहा हूँ चैलेंज में मस्त मजा आ गया। और चैलेंज क्या करना है गाइस आप कमेंट करके बताना। चलो गाइस बताना अगर कोई चैलेंज करना हो तो। हमें तो इस चैलेंज में मजा आया दीदी को, और चैलेंज करने तो करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन आप हमें सजेस्ट करो क्या अगले में भी जब देखा जाएगा। याद मत कर, बहुत पुराने ब्लॉग में तुझे हरा रखा है। हाँ। गोलगप्पे वाले चैलेंज में है ना पूरा वो पूरा गंचाले कर दिया। गाइस हमने बहुत, आप नीचे ओल्डेस्ट वीडियो में जाओगे उसमें गोलगप्पा चैलेंज भी करा, उसमें अनायशा आ रही थी और उसमें तो सजा भी बहुत बुरी वाली थी। एक गोलगप्पा मैंने बड़ा अजीब सा बनाया था, उसमें बहुत सारे मसाले डाले थे, जो लूजर हुआ था उसे खाना था। और उल्टी सी कर दी थी ना। चलो करेंगे दोबारा चैलेंज, आप बताना क्या कर रहे हो फिनियस और फॉब।
गाइज अनायशा और दीदी चाह रही है कि मैंने एक चैनल खोल के दूं जिन पे ये अपना ये ब्यूटी का जो भी करते रहते हैं, नेल लगाते हैं, ये सब इनकी वीडियो बना के डालें। तो ये मुझसे कह रहे हैं लेकिन अभी इन्हें एडिटिंग तो आती नहीं है और ये अपने इंट्रो के लिए भी कल प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ इन्हें खोल के दूंगा लेकिन पहले इन्हें एडिटिंग की प्रैक्टिस करानी होगी और वीडियो कैसे बनाई जाती सब बताना होगा। तो ये सब बताने के बाद फिर देखता हूँ इन्हें चैनल खोल के दूंगा कर पाते हैं नहीं। पर उसमें वही ये कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मैंने इन्हें बता रखा है कि मैं मुझे खुद को 1-1.5 साल लग गया तो इन्हें भी वही करना होगा, मैंने इन्हें समझाया तो है। चलो अपना इंट्रो बोल के दिखाओ, अपना इंट्रो बोलो भाई दोनों। और मैं हूँ अनायशा, वेलकम करते हैं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस आप कमेंट करके बताओ इनका इंट्रो आपको कैसा लगा। तो गाइज लेकर आ रहा हूँ मैं 2 मैगी, अनायशा बना देगी अब तीनों खा लेंगे। बढ़िया बनाती है अनायशा, प्याज व्याज डाल के एकदम मज़ा आ जाता है। वो बात अलग है जब बनाते तो नाक के बाल जल जाते, इतने ज़्यादा वो हो जाता है तो क्या कहते हैं गैस से एकदम हो जाती है जिससे नाक में जाती जलन मस्ती, पर टेस्टी बनती है। लेकर आ गया हूँ मैगी और यहाँ काटा पिटी शुरू हो गई। कितने दिन बाद बना रही हो आज मैगी अनाइश? ये वाली 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए ना? हाँ, बहुत दिन से नहीं बनाई। तो दुकान लगाई है उससे पहले ही खाई थी है ना? हाँ। उससे पहले ही खाई थी, फिर दुकान में व्यस्त रहता था तो आज खाएंगे, पर बड़ी मस्त बनाती है अनाइशा। फाइनली गाइस बन गई है मैगी तो खाते हैं, और तू थोड़ा ही खाएगी? हाँ ठीक है चलो। बेहतरीन, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बनाई है अनायशा। आदि आया है कैसे? कैसा आ गया? साइकिल से। साइकिल से आदि अपने साथ अपनी साइकिल लाया है तो कह रहा है देख लो इसकी साइकिल, देखते हैं। मुझे बिठा के तो तू चला नहीं पाएगा। भाई साहब सिस्टम बांध रखा है तुमने तो तगड़ा, सही है साइकिल तो। भाई अभी आदि की साइकिल मैं चला रहा हूँ। भाई छोटी सी साइकिल मजा आ गया भाई, आदि तेरी साइकिल चला के मज़ा आ गया गाइस। साइकिल चला के कई दिनों बाद चलाई और वो भी छोटी सी। अब आदि को वापस दे दिया मैंने। आदि मज़ा आ गया यार तेरी साइकिल पे। आए संभाल के जाना। तो मैं घर में वापस आदित्य को आधे रास्ते पे छोड़ दिया और उसकी छोटी साइकिल चला के तो मज़ा ही आ गया और पसीने में और हो गया मैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी 8:30 बज गए और काफ़ी देर से मैं सबका आने का वेट कर रहा हूँ, मम्मी पापा और सबका। मैं सोचा था उनके साथ ही बैठ के खाना खाऊंगा तो अभी मैंने कॉल किया तो अभी 1 घंटा और लगेगा क्योंकि कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो इस वजह से मैं अभी खाना खाने बैठ गया और आज बनी है शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में रोटी तो खा लेता हूँ, और मम्मी पापा को तो आने में टाइम लगेगा। फाइनली गाइस मम्मी पापा आ गए, वो भी पूरे 9:12-13 पर आए हैं। इतना टाइम कैसे लग गया जाने में? ट्रैफिक, पहली बार इतने टाइम लग गया आने में। नन्नू भी आ गई। नन्नू कैसे बहुत ही आ जाए नन्नू तेरी? नन्नू को भी आ रही थी? नहीं आ रही थी, ये तो खेल ली थी वहाँ। आ रही थी ना नन्नू, पर मच्छर लोग ने उसको याद नहीं करने दिया। ऐसे झटपट रही ऐसे, मैं पूरी रात इसको ओढ़ना भिगा के फिर उसके ऊपर उड़ाई जब सोई है। नन्नू बहुत मच्छर थे, छोड़ने को भी निकाल निकाल के फेंक रही इसको। नन्नू क्या आवाज वही भूल के आ गई क्या? हाँ। अरे कुछ बोल। अरे हेलो बोल कुछ। अब वक्त हो गया इस व्लॉग को एंड करने का, अब करूंगा मैं इस व्लॉग की एडिटिंग। तो आई होप सो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।